दोस्तों, आपने अधिकतर ऐसे ही जानवरों के बारे में सुना होगा जो पूरे दिन भर जंगलों के अंदर घूमते रहते हैं या फिर शिकार करते हैं। इन सभी जानवरों की ताकत दिन में काफी ज्यादा होती है, परंतु रात होते ही ये अपने अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि रात के समय ये आराम करते हैं और अच्छे से जंगलों के अंदर घूम नहीं पाते। इन्हें रात को घूमने वाले दूसरे शिकारी जानवरों से भी खतरा रहता है। कई जानवर ऐसे हैं जो दिन के समय एक्टिव नहीं रहते, परंतु रात के समय एक्टिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जानवर के बारे में बात करेंगे जो दिन के बजाय रात के समय ही घूमना पसंद करता है, जिसका नाम कस्तूरी बिलाव है। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन करें। दोस्तों, कस्तूरी बिलाव एक छोटा स्तनधारी जानवर है जिसका आकार, शरीर की बनावट बिल्ली से मिलता है, जिसके कारण इसे बिलाव का नाम मिला है। हालांकि ये जानवर बिल्ली की प्रजाति से कोई संबंध नहीं रखता। इस जानवर में से एक अलग तरीके की गंध आती है, इसलिए इसके नाम के साथ कस्तूरी शब्द भी जोड़ा गया है। ये एशिया और अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय वाली जगहों पे पाया जाता है। कस्तूरी बिलाव अपना अधिकतर टाइम पेड़ों की टहनियों में ही गुजारना पसंद करता है। इनके पैर छोटे और मुंह लंबा होता है। ये जानवर पेड़ों के ऊपर बड़े आसानी से चढ़ जाता है और रात के टाइम बाहर निकलता है। दोस्तों, वैसे तो कस्तूरी बिलाव का शरीर बिल्ली के जैसे लगता है, लेकिन इसका मुंह थोड़ा थोड़ा कुत्ते की तरह आगे की ओर खिंचा होता है। इनके अंदर एक ग्रंथि होती है जिसकी मदद से ये कस्तूरी जैसी महक पैदा करते हैं। पुराने समय में कस्तूरी बिलाव को मारकर इनकी ग्रंथि को निकालकर इसका इत्र यानी सेंट बनाया जाता था। आज के समय बिना जानवरों के मारे इनके ग्रंथि से निकले गंध के रसायन इकट्ठे किए जाते हैं, जिसकी मदद से ये सेंट बनाते हैं। दोस्तों, वैसे कस्तूरी बिलाव की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से सबसे फेमस भारत का कस्तूरी मृग है, जो ऑस्ट्रेलिया से भारत और चीन तक फैला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कस्तूरी बिलाव रात के समय ज्यादा सक्रिय रहता है और दिन के समय घनी वनस्पतियों या झाड़ियों में सोता है, परंतु सूरज ढल जाने के बाद ये रात के समय उठता है। ये अकेले रहने वाला जानवर है। इनके पूंछ पर इसके मोटे छल्लों और छल्ले को कवर करने वाले सफेद रंग के धब्बे होते हैं। ये ज्यादातर गंध और आवाज की बजाय अपनी तेज आँखों से शिकार का पता लगाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कस्तूरी बिलाव के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। और हाँ, आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन करें। धन्यवाद।